एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। आज ही के दिन देश की सबसे पुरानी पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन इस बड़े मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का देश में ना होना उन्हें फिर से सुर्खियों में ला चुका है। राहुल गांधी फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस स्थापना दिवस पर राहुल का किनारा, मुश्किल में कांग्रेस, विदेश में राहुल, राहुल के विदेश दौरे पर सियासी घमासान। देश की आजादी की अगुवा और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, लेकिन इस बड़े मौके पर पूर्व अध्यक्ष और संभावित भावी अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश चले गए। विदेश दौरे से पहले राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर आखिरी ट्वीट किया, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। इस ट्वीट के बाद राहुल गांधी के विदेश दौरे की खबर आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी निजी कारणों से विदेश चले गए हैं, वो कुछ दिनों के लिए दूर रहेंगे। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस से दूरी बनाई तो एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लिखा, भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, आज वह इटली वापस चले गए। कांग्रेस के लिए ये बेहद नाजुक दौर है। हाल ही में सोनिया गांधी ने पार्टी के नाराज सीनियर नेताओं संग बैठक की थी। ये वो नेता थे जिन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठाए थे। पार्टी में चुनाव कराने की बातें लगातार उठ रही हैं। बिहार में पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, सिर्फ 3 राज्य छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में ही सरकार है। महाराष्ट्र और पुद्दुचेरी में गठबंधन के सहारे सरकार चल रही है। लोकसभा में सिर्फ 51 सांसद बचे हैं। देश में सिर्फ कांग्रेस के 19% MLA हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राहुल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से किनारा कर रहे हैं, या फिर वो इस बात को फिर से स्थापित करना चाहते हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। राहुल पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बार पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी सियासी सरगर्मी के बीच विदेश में छुट्टी मनाने गए। राहुल की सबसे चर्चित छुट्टी फरवरी 2015 की है, जब 60 दिनों की गुपचुप छुट्टी पर बैंकॉक और म्यांमार निकल गए। 2017 में राहुल कई बार खास मौके पर विदेश चले गए थे। बिहार में विपक्षी एकता की ताकत दिखाने के मौके पर राहुल के नॉर्वे में होने का दावा किया गया। मंदसौर में किसानों के आंदोलन के वक्त राहुल के इटली में होने का दावा किया। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान राहुल गांधी फिर छुट्टी पर चले गए। 2019 में संसद सत्र के दौरान राहुल 2 हफ्ते की छुट्टी पर थे। 2020 में CAA के विरोध के दौरान राहुल गांधी साउथ कोरिया चले गए। इस बार पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ही नहीं बल्कि 2 बड़े रणनीतिकारों की कमी खलेगी, अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा अब सोनिया गांधी का साथ देने के लिए इस दुनिया में नहीं है। जाहिर है सोनिया को इस वक्त अपने विश्वास पात्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन ऐसे वक्त में राहुल ना पार्टी के साथ होंगे ना अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ। ABP News आपको रखे आगे।